हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो पर हम स्केच बनाएंगे गदर 2 से लीड एक्ट्रेस सिमरत कौर मैम का। और दोस्तों, ये वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा क्योंकि इसमें हम कोई ज़्यादा मटेरियल यूज़ नहीं करेंगे। जो चीज़ें सिंपल होती हैं, जो चीज़ें बिगनर्स के पास अवेलेबल होती हैं, हम उन मटेरियल से स्केच को बनाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैंने रेफरेंस इमेज ले ली है और अपने ग्रिड ऐप पर अपलोड भी कर दी है। और मैंने दोस्तों ग्रिड भी पहले से बना के रखे हैं। अगर आपको ग्रिड बनाना नहीं आता है तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे कि ग्रिड कैसे बनाना है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको ग्रिड बनाना नहीं आता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो ग्रिड के ऊपर बना दूँगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आइस से चालू किया है बनाना। आप चाहे तो फोर हेड से भी कर सकते हैं या आपको जहाँ से अच्छा लगे, जिसमें आप सूटेबल हो। तो देखते जाइए, मैं धीरे धीरे बनाते जा रहा हूँ। नोज पे आ चुका हूँ मैं। Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. दोस्तों, आपको इस बात का ध्यान रखना है ग्रिड बनाते समय कि जो आपकी पेंसिल, जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको एकदम लाइटली करना है, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी प्रेशर दे दिया उस पर तो वो बाद में इरेज करने में, उसको मिटाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। और फिर जब हमारी स्केचिंग कम्प्लीट हो जाती है तो हमारी फ़ोटो पर वो उभर के आता है। तो इस चीज़ की गलती बिल्कुल ना करें आप। तो दोस्तों, स्केचिंग करते समय भी आप थोड़ी लाइट पेंसिल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उससे भी क्या होता है कि कई बार हम गलती करते हैं, हम उसको इरेज करते हैं तो फिर वो दाग छोड़ देती है या फिर थोड़ा गंदा हो जाता है, पेपर ही ख़राब हो जाता है कई बार। तो ऐसी गलती ना करें, थोड़ा बिल्कुल लाइट से बनाएं शुरू में। हम जब एकदम स्केचिंग करते हैं तो एकदम कोशिश करें कि लाइट पेंसिल यूज़ करें, ज़्यादा डार्क की तरफ ना जाएं। और ये वीडियो दोस्तों एकदम बिगनर्स लोगों के लिए भी होने वाली है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत हाई मटेरियल यूज़ नहीं किया। बस मैंने चार पांच चीज़ों से ही पूरी स्केचिंग की हुई है। और दोस्तों, ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में अगर दोनों पार्ट बना देता मैं तो स्केचिंग और शेडिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाती है और वो थोड़ी बोरिंग हो जाती है। तो इसको दो पार्ट में है, आप देख सकते, बहुत मज़ा आएगा आपको। मेरे साथ ड्रॉ कर सकते हो, और अगर आप ड्रॉ करते हैं तो आप मुझे टैग कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, मैं ज़रूर देखूँगा। आप देख सकते हैं मैं बिल्कुल लाइट यूज़ कर रहा हूँ। जो मेरी पेंसिल है 2H की पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी कोई कम से कम, मतलब जो डार्क चले वो पेंसिल यूज़ कीजिए स्केचिंग के लिए। और दोस्तों, ये जो मैंने नीचे एक पेपर रखा हुआ है, इसकी जगह आप कुछ भी रख सकते हैं। कुछ लोग टिश्यू पेपर यूज़ करते हैं, कुछ लोग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि ये अपने हाथ से फिर फैल जाता है या फिर गंदा हो जाता है। कई बार आप स्वेटिंग होती है हाथ में, वो पेपर पर ना लगे, उससे ख़राब ना हो, इसलिए रखा जाता है। तो कोशिश करें कि आप भी ऐसा कुछ यूज़ कर लें जिससे आपकी शेडिंग बाद में प्रॉब्लम ना हो। आप देख सकते हैं गाइस, काफ़ी अच्छी स्केचिंग हुई है, आउटलाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे सजेशन ज़रूर दे सकते हैं आप कि अगली हम किसकी स्केच बनाएं, या आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं। बस कंप्लीट होने वाली है। आप देख सकते हैं मेरे स्ट्रोक्स एकदम लाइट है, मैं एकदम लाइट हैंड का यूज करके बना रहा हूँ। really
देखिए लाइट स्ट्रोक्स का ये भी फ़ायदा होता है कि जब हम स्केचिंग करते हैं और हमसे कुछ गलती होती है हम उसको मिटाते हैं तो हमारे पीछे के जो बॉक्सेस हैं वो भी नहीं मिटते हैं। अगर आप सोचिए अगर आप डार्क बना रहे हैं एकदम गढ़ाटी यूज़ कर रहे हैं तो जब आप इरेज करेंगे तो आपके बॉक्सेस भी मिट जाएंगे, पीछे की ग्रिड्स मिट जाएंगी, जिससे आपको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए लाइट पेंसिल यूज़ कीजिए, जितना हो सके उतना लाइट कीजिए, आपको दिखना चाहिए। मैं इसमें फिर भी काफ़ी डार्क कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को वीडियो में आ नहीं रहा था उतने अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा डार्क करके ही किया है आप लोगों के लिए। करें दोस्तों अब देख सकते मैंने हेयर्स थोड़े ड्रॉ कर दिए हैं। कंप्लीट होने वाली है। अगर आपको इसकी थोड़ी सी हेल्प मिली है